नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवम मिश्रा। खबर आ रही है मोहम्मदाबाद से। तहसील के गांव शेरपुर कला निवासी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कालिका उपाध्याय 104 वर्ष की बुधवार को शाम 3 बजे उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया। इस जानकारी मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। उनके आवास पर आसपास के गाँव के लोग उनके अंतिम दर्शन को एकत्र हो गए। परिजनों के मुताबिक उन्होंने देश की आज़ादी के लिए व अंग्रेजों के खिलाफ 16 वर्ष की उम्र में ही जंग छेड़ दिए थे। जेल में 4 महीने 9 दिन रहे, बाद में 16 महीने भूमिगत रहे और अंग्रेजों से कोड़े भी खाना पड़ा था। कालिका उपाध्याय ने अदालत में जब अंग्रेज जज से अंग्रेजी भाषा में बहस से निरुत्तर कर दिया। अंत में अंग्रेज जज ने कहा, तुम क्या चाहते हो? कालिका उपाध्याय ने कहा कि फ्रीडम इज माई ह्यूमनिट राइट, हु आर यू शोम टाइट, आई बैंग टू यू लंडन। इतना सुनते ही अंग्रेज जज ने उन्हें 10 साल की सश्रम सजा सुनाई, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उसी समय के तत्कालीन पार्टी जनसंघ के चुनाव भी लड़े। उपाध्याय जी अंग्रेजी के ज्ञाता थे। कलकत्ता में बरसों रहकर अध्ययन का कार्य किया, बाद में गाँव आकर शिक्षा की अलख जगाते रहे। आपको बता दें कि कुशल तैराक भी थे और तैराकी में उन्होंने बहुत सारे मेडल भी मिले थे। निधन की सूचना पर एसडीएम राजेश कुमार गुप्ता, काशिमाबाद सी ओ महपाल पाठक, भावरकोल एसओ शैलेश कुमार मिश्रा ने गाँव में पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस बल ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफर आनंद करते हुए सशस्त्र सलामी दी। शव यात्रा में भारी संख्या में पुरुष ने शिरकत कर भारत माता की जय का उद्घोष किया। इसके बाद शेरपुर कला स्थित शमशान घाट पर उनका दाह संस्कार किया गया। मुख्य अग्निपौत्र कौशलेश उपाध्याय ने दी। इस मौके पर विधायक अलका राय, पीयूष राय, शिक्षक हेमनाथ राय, मिथिलेश राय, डॉक्टर आलोक राय, राघवेंद्र उपाध्याय बच्चू, राजेश राय बागी, आलोक राय डब्बू, आशीष राय सिंटू, शिवजी राय, अभिषेक मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम, आनंद राय, सीताराम, रविकांत राय, राजीव सिंह, राकेश राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एक खास रिपोर्ट थी नसीम खां की। आज के खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।